إن الحمد لله والصلاة والسلام إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير everyone for joining. और إن شاء الله हम start कर रहे हैं इसको. फैसल भाई फेसबुक पे लाइव हो जाए तो मुझे बता देना, आप बता दीजिएगा. और ठीक है, आई थिंक वी आर ऑल ऑल सेट टू गो. अच्छा, तो आज जो हमारी मजलिस है इंशाल्लाह हम इसके ऊपर हम बात करेंगे अपनी प्रीवियस सेशन से ही मुताल्लिक, जो हमने जब 2 वीक्स पहले हमारी जो फर्स्ट रमजान को मजलिस हुई थी उसमें हमने बात की थी हैबिट्स के बारे में. ऐसी हैबिट्स जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि स्पेशली रिलेटेड टू रमजान, और आपके पास वो हैबिट्स चाहे इस रमजान में डेवलप हो जाए और आप उसको कंटिन्यू कर सकें इंशाल्लाह ताला ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो हमने ना इसके ऊपर हमने थोड़ा सा हैबिट्स के ऊपर रिव्यू किया था कि हैबिट्स किस तरह से डेवलप होती हैं और उनका उनको समझना कितना जरूरी है, किस तरह से ट्रिगर्स होते हैं हर हैबिट के पीछे. तब थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं एंड देन वी विल गो फर्दर इंशाल्लाह. अच्छा, तो हैबिट्स के जैसे हमने एक्सप्लेन किया था कि इसके जो 3 हिस्से होते हैं कि फर्स्ट जो ट्रिगर होता है कि कोई एक जगह पे हैबिट जो है वो इन्वोक हो जाए, यानी कोई एक बटन की तरह कोई चीज प्रेस हो जाए, जैसे स्टार्ट होता है कोई चीज को स्टार्ट करना होता है और हमारा एक्शन स्टार्ट हो जाए सबकॉन्शियसली. तो हमें कॉन्शियस एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती हैबिट के लिए, सबकॉन्शियसली वो हैबिट्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है. तो एक चीज तो ये होगी कि उसका ट्रिगर, दूसरी एक्चुअल हैबिट जो कि जो रूटीन है जो कि इन्वोक होती है, जो स्टार्ट होती है, जो हमारा एक्शन होता है, वो सेकेंड चीज होगी. और थर्ड चीज होगी वो होती है रिवॉर्ड. तो ये 3 चीजों के ऊपर हमने पिछली वाली मजलिस में हमने तफसील से बात की थी और इसके अलावा हमने हैबिट के मौजू पे पहले भी तफसील से बात की है. आप हमारे फेसबुक पेज पे उसका उसका कंप्लीट सेशन जो है वो देख सकते हैं. तो हमने लास्ट टाइम जो है वो इसके ऊपर बात की थी. फिर हमने कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स के बारे में बात की थी कि रमजान में कुछ हैबिट्स लोग पिकअप करना चाहते हैं, टेकअप करना चाहते हैं, यानी एक्स्ट्रा नवाफिल की है लेट्स से या कुरान पढ़ने की है और भी कुछ है ना, ये सारी हैबिट्स जो है वो लोग टेकअप करना चाहते हैं. और फिर हमने ऐसी उसके बारे में बात की थी कि बहुत सारी बातें करना तो चाहते हैं, नई नई करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी काम है जो कि उनको नहीं करने चाहिए लेकिन वो दे कंटिन्यू टू डू दैट ड्यूरिंग रमजान. मिसाल के तौर पे जैसे गीबत है, हम बहुत सारे लोगों के बारे में बुरे ख्याल भी रखते हैं और बुरी बातें बोल भी जाते हैं उनकी मौजूदगी में. तो ये एक गीबत है और ये गीबत जो है वो गुनाह में से गुनाह, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है ये बात. इस तरह और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी हैबिट्स हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए. बहुत छोटी छोटी अखलाकी बुराइयां जो है हमारे अंदर मौजूद होती है. मिसाल के तौर पर ऐसी बात कर देना कि किसी का दिल दुखे, मिसाल के तौर पर, तो ये छोटी छोटी बातें हैं. तंज कर देना, तो ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनके ऊपर जिनको जिनको हमें रोकने का भी उतना ही इहतमाम करना चाहिए कि जिनका जिस तरह की अच्छी हैबिट्स को डिवेलप करने का करना चाहिए. तो इसके ऊपर हमने लास्ट टाइम जो है वो बात की थी, तो आज हम इंशाल्लाह उसी के ऊपर ही फर्दर बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, तो उससे पहले जो है मैं कुछ मैसेजेस के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि हमने व्हाट्सएप पे लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना हमें मैसेज करें, बताएं कि अगर आप किसी एक चीज के ऊपर चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हम बात करें. तो कुछ मैसेजेस हमारे पास आए हैं तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला आज. तो एक जगह एक मैसेज आया कि इफ यू इफ ही स्टिल स्टिल फेल टू कंट्रोल ऑन थिंग्स वी डिसाइडेड नॉट टू डू काइंडली शेयर अ मैजिक पल दैट विल हेल्प अस. अच्छा, नॉट टू डू यानी हमने कुछ चीजों को जिसके बारे में डिसाइड किया है कि वो नहीं करनी है लेकिन फिर भी वी आर फेलिंग अपॉन देम, यानी वी आर स्टिल डू देम. तो अब इसके लिए तो मैजिक पिल तो एज सच कोई नहीं होती है, यानी ऐसा कोई दवाई नहीं होती कि आप खा लें लिटरली और आपका जो है वो काम जो है वो रुक जाए. देखिए, इसमें जो है बड़ी एक बड़ी छोटी सी बात है. बात यह है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम किए जा रहे हैं कि वो आपको नहीं करना चाहिए लेकिन आप फिर भी किए जा रहे हैं, तो एक्चुअली आपको इस वक्त आप अपने आप से सवाल करना चाहिए कि व्हाट एम आई टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, कि मैं एक काम कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं किसी एक गलत काम में मुबतला हूँ, तो गीबत में मुबतला हूँ या कोई और बुराई में मुबतला हूँ, फॉर दैट मैटर कुछ भी करता हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ और मैं अपने आप के बारे में लोगों से क्या बता रहा हूँ. तो क्या मैं बता रहा हूँ कि आई एम अ पर्सन विद नो सेल्फ इंटेग्रिटी, क्या मैं अपने आप के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ लोगों को, क्या मैं अपने आप बता अपने आप के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि I'm a person who has no self-control or I cannot restrain myself.
तो मैं एक्चुअली अपने आप को बताना क्या चाह रहा हूँ, तो ये सवाल जो है आप अपने आप से जब करते हैं ना, तो आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, और आप अपने आप को चैलेंज करते हैं एट योर आइडियोलॉजिकल लेवल, और आप अपने आप को वैल्यू इसको अपनी कोचिंग की टर्म्स में हम इसको लॉजिकल लेवल कहते हैं, जब अपने आप को आप अपनी वैल्यू से खुद ही टकरा रहे हो, तो ये डिसोनेंस कहलाता है। ये तो डिसोनेंस में दो बातें हो सकती है, या तो आप खुद उसी चीज को अच्छा समझना शुरू कर दें जो कि आप कर रहे हैं, जो जो आप अपने इस वक्त बुरा समझते हैं, या तो आप वहां पे चले जाएं और उस चीज को बुराई जो है आपको बुराई ना लगे, या दूसरी सूरत यह है कि आप क्या करें कि आप अपने ट्रू सेल्फ के ऊपर आ जाए। मिसाल के तौर पे आप कोई अच्छी जो जो बुरी बात है जिसको जो को मैं इस मैसेज से समझाऊं, मैं दोबारा पढ़ देता हूं कि इफ वी स्टिल फेलिंग टू कंट्रोल ऑन थिंग्स वी डिसाइड नॉट टू काइंडली शेयर मैजिक पिल दैट विल हेल्प अस, सो हेल्प अस व्हाट, हेल्प अस इन प्रिवेंटिंग योरसेल्फ इन फॉलिंग इनटू दैट ट्रैप ओवर एंड ओवर अगेन। तो इसका मतलब है कि आपने अब जब ये वाले सवाल पूछ लिए, तो अब आप बचना तो चाहते हो उससे, ये बात तो समझ में आ रही है। इसका मतलब कि आप उसको अच्छा ही नहीं समझना चाहते, लेकिन आप उसको उस बुराई से बचना चाहते हैं। तो जब आपने ये वाला सवाल पूछ लिया, तो अब क्या करना है? अब करना ये है कि जो जो जरूरी बात है, इमेजिन इसको एक्सप्लोर से इमेजिन करने की जरूरत है कि हम क्या करते हैं कि हम जिस बुराई से बचना चाहते हैं ना, हम उसकी बार 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 बात करते हैं। तो जब हम उसी की बार बार बात करते हैं, तो हमारे जहन में एक तरह से खुब जाती है अंदर। तो उसकी बजाय हमें ये देखना होगा कि हम चाहते क्या है। मिसाल के तौर पर आप अगर एक बुराई लग सकते, गीबत को ही ले लेते हैं, ठीक है, अब गीबत को ही ले लेते हैं, तो अगर यही बुराई अगर इसको ही अवॉइड करना, लेट सपोज, ठीक है, या और फॉर दैट मैटर एनीथिंग एल्स, तो आप ये देखें कि अगर आप गीबत नहीं कर रहे, तो आप क्या करना चाहते हैं उसकी जगह, आप उसको किस चीज से रिप्लेस करें। हमने हैबिट्स के बारे में बात की थी, हमने जब तीन चीजों के बारे में बात की थी, एक चीज होती है उसकी उसका ट्रिगर जो किसी एक जगह पे उसको इन्वोक कर देती है उस हैबिट को, मिसाल के तौर पे कोई लोग हों जिनके साथ ऐसा हो, जिनके साथ रह के आपकी वो हैबिट ट्रिगर हो जाती हो, गुस्से में आना, बहुत सारी बातों के बारे में, हैबिट्स के बारे में लास्ट टाइम बात की थी, या फिर कोई जगह हो ऐसी, कोई वक्त हो दिन का ऐसा कि जिसमें वो हैबिट आपकी ट्रिगर हो जाती है, या फिर कोई प्रीसीडिंग एक्शन हो के किसी एक काम के बाद ऐसा हो जाता है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स कोई और हो, या आपकी इमोशनल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऐसी हो कि वो हैबिट जो आपकी ट्रिगर हो जाती है। तो इन एनी ऑफ द केस, अब जो है अब तो वो हो गया ना ट्रिगर, तो यानी फर्स्ट स्टेप तो हो गया, ट्रिगर का बटन दब गया, अब वो हैबिट जो है वो चल पड़ी, यानी वो एक्शन चल पड़ा, और उसके बाद आपको रिवॉर्ड भी उसी तरह का मिल गया, विच गिव्स यू द फीलिंग कि हाँ ये और होना चाहिए। तो हमने बात की थी कि जब आप जिस किसी हैबिट को आप छोड़ना चाहते थे, आप उसको रिप्लेस करते हैं किसी और हैबिट से, जिसका मतलब कि जो मिडिल पार्ट है उसकी जगह आप उसके प्लग कर देते हैं किसी और चीज को, तो जो हैबिट है वो पुरानी की जगह अब नई हैबिट जो है वो एक्सिक्यूट होने लगती है। शुरू में तो इसमें थोड़ी तकलीफ होती है, आपको वक्त लगता है, चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके फिर चीजें आप आदी हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज का जब आप नई चीज को अपनी अपने रूटीन में दाखिल करते हैं, तो शुरू में तकलीफ भी होती है और शुरू में फेलियर भी होते हैं, लेकिन जब एक कर्व जो है वो थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके फिर स्टेबल हो गया, फिर स्टेबल हो जाता है। तो इंशाल्लाह जाए, उम्मीद है कि वो आपकी जो नई हैबिट है वो भी स्टेबल हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो एक बड़ा एक टेक्निकल भी एक थोड़ा सा इसका एस्पेक्ट है, और वो क्या है, वो क्या है कि जब लोग अपनी नई हैबिट्स को इन्वोक करते हैं ना, तो वो चाहते हैं कि हैबिट जो है ना पूरी की पूरी अपनी पूरी फुल फॉर्म में जो है वो एक्टिवेट हो जाए और वो जिंदगी जो है चल पड़े। इस तरह नहीं होता, पुरानी हैबिट होती है आपकी वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई भी होती है, लेकिन जो नई हैबिट होती है उनको आपको अगर डेवलप करना है ना, उसको आपको उसको थोड़ा नर्चर करना पड़ता है, आपको एक एक छोटी सी हैबिट से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप हमें यही देख लेते ना कि गीबत अगर करते हैं, अगर ये तो एक ऐसा बुराई ऐसी बुराई है ना कि जिसका अल्लाह सुब्हानहु तआला ने बाकायदा सूरह हुजरात में तफसील के साथ जिक्र किया है, तो हम चले इसी की बात कर लेते हैं, तो या वक्त जाया करने की जो भी कुछ है, तो हम गीबत की बात करते हैं। तो अब अगर कोई एक पर्टिकुलर ट्रिगर है जिसपे मैं गीबत करने लगता हूँ, मिसाल के तौर पर कभी मुझे बुरा लगता है, या मैं लोगों की मजलिस में होता हूँ, या मैं या और कोई बात होती है कि जो ट्रिगर बन जाती है मेरे गीबत करने का, लेट सपोज, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस वक्त, गीबत की हैबिट को किस और चीज से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो जब हम इसको देखते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि जब भी आपको हैबिट्स को रिप्लेस करना होता है ना, तो आप छोटी सी चीज से शुरू कर सकते करते हैं,
और फिर आप उसको री इन्फोर्स करते हैं, उसको नर्चर करते हैं, उसको थोड़ा सा पाल तक पोसते हैं, फिर वो स्ट्रांग होनी होनी शुरू हो जाती है और होती चली जाती है। अब मिसाल के तौर पे अब आप ये देखें कि अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे कि लोगों की मजलिस, ठीक है, लोगों का किसी के बारे में बात करना और वहां पे मेरा भी गीबत में इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है, ये ट्रिगर हो गया, लोगों की मजलिस गीबत में इन्वॉल्व हो जाना इसका एक्शन, और फिर मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है अपने दिल की भड़ास निकाल लेता हूँ वगैरह वगैरह, ये इसका रिवॉर्ड हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं नया स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ अपने लिए, लोगों की मजलिस को मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ट्रिगर, ये ट्रिगर है ना, ये तो एज इट इज रहेगा, मैं लोगों को अवॉइड तो कर नहीं सकता, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, जो सेकंड पार्ट है गीबत का जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व होता हूँ, उसकी वजह मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या ऑल्टरनेटिव है, या तो मैं इस्तीफा कर सकता हूँ, या मैं बात का मौजू चेंज कर सकता हूँ, या मैं लोगों को तरगीब दे सकता हूँ कि देखें ये तो ये गीबत है ना, ये तो गुनाह है, हम क्यों रमजान में या गैर रमजान में भी इसके इसकी वजह से अपने अमाल को खराब करते हैं, क्या हम इसकी जगह कोई और बात कर सकते हैं, या मैं वहां से उस मजलिस को छोड़ सकता हूँ, कुछ भी काम कर सकता हूँ, एक चक्कर लगा के आ जाऊँ, एक वजू करके आ जाऊँ, कुछ भी करके आ जाऊँ, एक कोई एक ऐसा ऐसा अमल है जो कि मुझे वहां से डिसएंगेज कर दे, डिसएंगेज कर दे, और जब मैं वापस आऊँ तो प्रोबेबली आई विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर टू स्पीक टू पीपल अबाउट दिस और टू डू समथिंग डिफरेंट, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा एक्शन होगा जो कि छोटा होना चाहिए, सिंपल, हमेशा एक बात याद रखें, जब भी आपने हैबिट को रिप्लेस करना हो ना, जब भी इस मिडिल पार्ट को आपने रिप्लेस करना हो किसी भी दूसरी चीज से, तो एक एक फॉर्मूला याद रखें, SDR, SDR का मतलब होता है सिंपल डूएबल एंड रिपीटेबल, सिंपल डूएबल एंड रिपीटेबल, कोई भी ऐसी चीज जो कि आप जो करने में आसानी हो, क्विकली हो सकती हो, और उसको आप रिपीट भी कर सकते हो, तो वहां पे आप हैबिट को जो है उस हैबिट को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि ये जो है वो चीज है वो ये क्लियर हो गई होगी। तो हम थोड़ी सी इसकी एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे गीबत की तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ और चीजों की एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पे गुस्से की रिप्लेसमेंट की हैबिट है कि एक साथ तो जिनको गुस्सा बताता था, तो उन्होंने कहा कि पहले जब मैं अपने बच्चे को हाथ से मारा करता था, अब मैं मारूंगा तो जरूर, लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं किचन में जाऊंगा, अखबार ढूंढूंगा, अखबार का रोल बनाऊंगा, उस रोल से उसकी पिटाई करूंगा। तो ये उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा इसमें उसी हैबिट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था। तो अब उन्होंने क्या कि जब उन्होंने करना शुरू किया, तो बाय द टाइम ही वुड गो टू द किचन, फाइंड अ न्यूज़पेपर, मेक अ रोल आउट ऑफ इट एंड देन कम बैक टू बीट हिज बॉय, द एंगर वाज एंगर इवेपोरेटेड और वैनिश्ड और डिसअपीयर्ड। तो चंद सेकंड होते हैं जिसमें आपको अपने आप को रिस्ट्रेन करना पड़ता है, बाकी आपको अल्लाह सुब्हान तआला की मदद भी हासिल होती है। तो ये एक एक छोटी सी चीज थी, एक हैबिट का एक छोटा सा रिप्लेसमेंट। एक और वो भी एंगर ही की मिसाल है, अगर आप चाहते हैं कि कोई और हैबिट हो, तो आप अपना माइक खोल के बात कर सकते हैं उसकी रिप्लेसमेंट के बारे में, और हम उसको एज अ केस स्टडी हम उसको लेके चल सकते हैं कि व्हाट यू कैन डू अबाउट दिस। इंशाल्लाह, तो उम्मीद है कि ये वाला सवाल जो है ना, इसका हमने खातिर का जवाब दे दिया होगा। मैं अगला सवाल पढ़ता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा जी, अगला सवाल है कि जी, वी आर इन इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अ लॉट ऑफ वेबिनार, लॉट ऑफ बुक्स, लॉट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच कंज्यूम आवर एनर्जी एंड स्टिल वी फील अनसैटिस्फाइड, काइंडली शेयर रमदान मैसेज ऑफ बरका एंड कनात टू अचीव मोर विद लेस। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, देखिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जहां तक ताल्लुक है ना, तो आई टेंड टू डिसएग्री ओवर हियर। इसकी वजह ये है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो है ना, वो तो बाहर है ना, आपके आपके पास तो चॉइस है कि आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। आप क्या इस टेंडेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप जगह जगह वेबसाइट को लिंक्स को क्लिक करें, क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस टेंडेंसी को, तो इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो है वो फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड उसी वक्त ही होती है ना, जब आप मुख्तलिफ चीजों से अपने आप को एक्सपोज करते हैं, जब आप एक्सपोजिशन को ही रोक देते हैं, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो है वो कंपेरेटिवली कम हो जाती है, नंबर एक बात ये। नंबर दो बात ये कि लेट सपोज अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है भी, तो क्या आप हर उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट भी करेंगे जो कि आपके पास आ रही हो? क्या आप उस हर उस इंफॉर्मेशन या उस चीज के ऊपर जिसके ऊपर आप एक्सपोज हो रहे हो, क्या आप उसके ऊपर आपको कमेंट करना या आपको रिएक्ट करना भी जरूरी है? देखिए, एक चीज होती है रिएक्शन और एक चीज होती है रिस्पॉन्स, इन दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क होता है। रिएक्शन जो है वो इमीडिएट होता है, विदाउट विदाउट एनी थॉटफुल कंसिडरेशन, विदाउट एनी थॉट प्रोसेसिंग। जैसे आप गर्म पतीले को हाथ लग जाए ना, तो इससे पहले कि आपका हाथ जले, आप हाथ पहले ही खींच लेते हैं, ये होता है रिएक्शन।
लेकिन रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है. रिस्पॉन्स मतलब है कि देर हैज बीन सम थॉट प्रोसेसिंग बिहाइंड द रिस्पॉन्स. तो आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो आप सोचते हैं और उसके बाद फिर लेट्स हाथ का ही खींचना है तो वो आप हाथ खींच लेते हैं. अच्छा, रिस्पॉन्स का ये मतलब है कि जैसे जैसे किसी शख्स ने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई, किसी के बाद से कोई तकलीफ पहुंची, रिएक्शन ये कि इमीडिएटली आपने उसके ऊपर फौरन ही कुछ बिला सोचे समझे तबसरा कर दिया या कुछ बोल दिया. रिस्पॉन्स ये है कि आप सोच समझ के अपना रिस्पॉन्स डिसाइड करें कि अच्छा मुझे खामोश रहना है या मुझे अगर रिस्पॉन्स ही देना है तो मुझे किन अल्फाज के साथ बेहतरीन रिस्पॉन्स में दे सकता हूँ. ठीक है, ना कि अब्दुल्लाम अब जाहिर है ना, जो भी आपके साथ उलझ रहे हैं या उनसे कोई ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया जिसमें आप पड़ गए, आप अल्लाह के नेक बंदों का क्या क्या अमल है. अब ये एक हैबिट है, आपकी पुरानी हैबिट थी कि आप उनसे उलझ के आप उनको जवाब दिया करते थे. आपकी नई हैबिट क्या है, आपने कहा कि हाँ ये जो है लोगों का जो उलझना है ये तो होगा अपनी जगह पे, मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा, मेरा रिस्पॉन्स कुछ डिफरेंट होना चाहिए. हाँ, मैं क्यों डिफरेंट होना चाहता हूँ, बिकॉज कि मैं अल्लाह सुब्हान तआला के रहमान के उन बंदों में शुमार होना चाहता हूँ जो कि जिनको जिनके जो जो कि सूरह फुरकान की आखिरी रुकू में जिनका जिक्र अल्लाह सुब्हान तआला ने किया. अल्लाह मुझे और आपको सबको शामिल होने की तौफीक अता फरमाए उसमें. अच्छा ये, अब मैं रहमान के उन बंदों में शामिल होना चाहता हूँ तो माई रिस्पॉन्स नीड्स टू बी डिफरेंट नाउ. ठीक है, व्हाट डू आई डू डिफरेंटली. ठीक है, तो अब मैं जो है सलाम एराज करूंगा, इधर खातबहुम जाहिलून कालू सलाम, वो सलाम करके अलग हो जाते हैं. दिस मतलब है कि यू डिसाइड नॉट टू गेट इनटू द आर्गुमेंट एनी मोर. तो व्हाट डू यू डू, आप सलाम कर दें, आप निकल जाएं वहां पे, खामोश हो जाएं, जाके वजू करके आ जाए, कुछ भी कर, राइट. तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मैजिक पिल जो आपने कहा ना, जो आपका सवाल था ये क्या था, मैजिक पिल के बाद उसके बाद ये दूसरा था सवाल था कि रमजान मैसेज बराका इंकानात. अच्छा, हम सॉरी इंफॉर्मेशन ओवरलोड का था. तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ऊपर लोड के बारे में बात कर रहे थे हम कि ये आपके ऊपर रिस्पॉन्स डिपेंड करता है ना कि आप कितना कूदते हैं उसके अंदर या कितना अपने आप को बचा लेते हैं. ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी जो है ना वो क्लियर हो गया होगा. असल में जो हमारी हैबिट होती है ना, इसमें थोड़ी सी एक बात जो है ना वो गौरतलब है. मैं चैट की तरफ आता हूँ अभी, मुझे चंद सेकंड दीजिए, अपनी बात पूरी कर लेता हूँ. चैट में मुझे कुछ चीजें नजर आ रही. तो हम जो है एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे पास यहाँ पे कि हम जो है ना वो अपने आप से क्या चाहते हैं. तो हम हमेशा उस बात को अगर मद्देनजर रखते हैं कि जो हम चाहते हैं तो हमारे लिए चीजें जमा करनी आसान हो जाती है, बजाय इसके कि हम उन चीजों पे नजर रखें जो कि हम नहीं चाहते हैं. अच्छा, तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है बरकत और कनात का, तो हम में से कितने लोग हैं जो इस बात की दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अल्लाह हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए. यानी वक्त में हमारे बरकत अगर हो तो, और बरकत अगर अल्लाह सुब्हान व तआला दे दे, हमारी दुआ भी कबूल हो जाए. आप सोचे ना कि आपका वक्त इतना होगा लेकिन आप उसमें अचीव जो है वो ज्यादा कर पाएंगे. तो अल्लाह से ये भी दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला वक्त में बरकत अता फरमाए. अच्छा टू अचीव मोर और लेस. अच्छा, मुझे नहीं मालूम है कि कनात जो है इसकी क्या डेफिनेशन आपके पास है और आप इसके बारे में जो दुआ है, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम. मैं मेरी नाकिस मालूम में ये नहीं है. बेहतर है कि आप इसके बारे में खुद पता करें कि कनात के बारे में अगर कोई रसूल सल्लम ने कोई दुआ मांगी तो वो क्या है, वो आप मांग सकते हैं अपनी 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 दुआओं को, दुआ में उसका हिस्सा बना सकते हैं. अच्छा, मैं आपके पास आपको मैं हैबिट्स के बारे में थोड़ी एक और एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह, दैट विल आल्सो हेल्प यू अ ग्रेट डील इंशाल्लाह. अच्छा, तो एक और सवाल ये था कि व्हाट इज सिंपल वे ऑफ शुक्र फॉर नेमत, के ज़वाले नेमत. तो अगर आप इसको अपनी एक एक रसूल सल्लम की मसनून दुआ सही मुस्लिम की अल्लाह मियां ज़वाले नेमत का वतहावल याफियती का वफुजाअति निकमती का वजमीय सखते, कि अल्लाह ताला हमें नेमतों के जवाल से बचाए. तो आप इस दुआओं को भी अपनी दुआ का इस दुआ को भी अपनी दुआओं का हिस्सा बना लीजिए. तो दुआओं का बेहतरीन वक्त कौन सा है, अगर इसको भी अगर आप अपनी हैबिट में शुमार कर लें तो आपको एक चंक ऐसा मिल जाता है दुआओं की कबूलियत का भी, और दुआएं भी उस सूरत में करना बड़ा प्रैक्टिकल होता है. और वो क्या है, वो अजान रकावत की दुआ है, इनके दरमियान के वक्त की दुआ है. कि रसूल सल्लम की हदीस है कि इस वक्त की दुआएं जो वो रद्द नहीं होती हैं. तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि आप चंद दुआएं जो हैं वो इस वक्त में मांग लिया करें अल्लाह सुब्हान व तआला से. तो जैसे अब ये वाली दुआ है या एक एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि वअऊज़ुबिका मिनल अज़्ज़ि वल कसल.
तो एक साहब जो थे जिन 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 जिनको हम रिसेंटली जिनके साथ कोचिंग एक्सपीरियंस हमारा है, उन्होंने शेयर किया कि वो यही दुआ अजान और इकामत के दरमियान पढ़ने लगे। अब पहले तो नहीं पढ़ते थे ना, अब उन्होंने हैबिट बना ली है, अब वो पढ़ने लगे माशाल्लाह। अच्छा, जब से वो पढ़ने लगे तो इस दुआ की जो पॉजिटिव जो असरात है वो उनकी जिंदगी पे नमोदार होने लगे। मिसाल के तौर पर आजाजी वल कसल, अब वो कसल जो है वो सुस्ती है, अब अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला मेरी सुस्ती जो है वो मुझे उससे बचा, तो अल्लाह ताला बचाते हैं। अब दुआ तो करें ना, दुआओं में बड़ी कबूलियत होती है। हमारे तो अलमिया ये है कि हम दुआ को बड़ा बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। आजकल मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि मेरे अपने छोटी जो दो बेटियां हैं उनके साथ आजकल जो हमारी कॉन्वर्सेशन है उसका मौजू यही है कि दुआ दुआ जो है वो कबूल होती है, और हम दुआ को मांगते नहीं है, अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं उनको। तो बच्चे मुझसे उन्होंने उनकी फरमाइश थी कि बाबा हमें हम आप अपनी जिंदगी से वो स्टोरीज शेयर करें कि जिसमें आपकी दुआ जो है वो कबूल हो गई। तो आजकल जो हमारा मुख्तलिफ फेजेस ऑफ लाइफ से वो स्टोरीज हम सेलेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से कि जिनमें दुआएं जो है वो कबूल होती हों। तो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन भी हो रही है और माशाल्लाह एक अच्छी बात भी उनके साथ उनको पहुंच रही है। ये भी अल्लाह की तौफीक है और हम अल्लाह ही से तौफीक मांगते हैं। अच्छा, मैं आप थोड़ा चैट की तरफ आता हूँ, चैट में क्या क्या लिखा हुआ हाँ है। हाँ बताइए, किसी का माइक ओपन ऑन है? अच्छा जी, नहीं भाई, यहाँ उमेर भाई ने रेस किया हुआ है, शायद वो चैट करना चाहते। अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे मैं लेकर लेता हूँ। मैं एक ही बात लिखता हूँ, एक मिनट रखिए। अच्छा ठीक है, मेरे पास कुछ डायरेक्ट मैसेज आए, जो डायरेक्ट मैसेज होंगे तो हम नाम नहीं पढ़ते, तो बस लेट मी जस्ट गो थ्रू दैम। अच्छा, किसी साहब ने कहा कि स्मोकिंग की वजह बहुत से प्रॉब्लम फेस एंड लेजीनेस, स्मोकिंग की वजह। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा हम स्मोकिंग के बारे में बात कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आप ये देख लें कि आपके स्मोकिंग के ट्रिगर्स क्या हैं, यानी आपको भूख लगती है या आपको टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, तो आप किस वक्त जो है वो स्मोकिंग करते हैं। तो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा अपना वाकया सुनाता हूँ, अपना तो नहीं कोचिंग का, कि एक साहब जो थे उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि उनको ना बिजनेस कोच चाहिए। तो अभी साहब पाकिस्तानी नहीं थे, तो दुनिया में कहीं और रहते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहते हैं और उर्दू स्पीकिंग भी नहीं है। तो इन्होंने मैसे ये टोटल कहानी, अब उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो मैंने उसे कहा अच्छा चलो ठीक है। तो वी गॉट इन टू दिस 4 मंथ्स एग्रीमेंट के अच्छा ठीक है, हम आपको आपके बिजनेस को, कुछ बिजनेस में बड़ी सीरियस चैलेंजेस है, हम उसको बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो जब कन्वर्सेशन आगे बढ़ी तो मैंने उसे एक चंद दिनों में मैंने उसे पूछा कि आप बताएं कि जो आपका आपका जो बिजनेस है ना, इट वॉट्स अ रियल रियल इशू बिहाइंड दिस। तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में ना दो चीजें हैं कि जिसकी वजह से ना मेरा बिजनेस जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या वो दो चीजें। तो उन्होंने कहा कि ये दो चीजें कि एक तो मैं स्मोकिंग करता हूँ, काफी स्मोकिंग करता हूँ, और एक एक डब्बा एक दिन में पी लेता हूँ सिगरेट का। तो मैंने कहा और दूसरी क्या? तो कह रहे हैं कि और दूसरा जो है वो मुझे बताते आपको बड़ी शर्म आ रही है, तो मैं आपको मुझे हिम्मत नहीं बढ़ी कि आपको बताऊं। मैं कहा चलो ठीक है, नहीं ना ना बताएं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगली चंद मीटिंग्स के बाद जो है उन्होंने उन थोड़ी सी और हिम्मत डेवलप हुई, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिल में ख्याल है। उन्होंने कहा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो है वो उल्टी पुल्टी वीडियोस बहुत देखता हूँ और मैं इनअप्रोप्रिएट गैर मुनासिब वीडियोस देखता हूँ, और ये जो है वो स्मोकिंग के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये स्मोकिंग होती क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये जो है स्मोकिंग के बारे में, एक तो ये कि मेरे घर वालों को नहीं पता, मेरे कॉलीग्स को नहीं पता। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको आखिर पता है कि उनको नहीं पता? कहने मेरे ख्याल में तो मैंने कहा ये आपका ख्याल हो सकता है ना, लेकिन मोस्ट लाइकली उनको भी पता है कि आप स्मोकिंग करते हैं, और उनको ये पता है कि आप उनको बताना नहीं चाहते, इसलिए वो आपको शर्मिंदा नहीं करते पूछ के। तो उन्होंने कहा कि मैं दिन में 3-4 ब्लॉक्स में स्मोकिंग करता हूँ, और जब मैं एक दफा स्मोक करता हूँ तो मैं उसमें 4 पॉट सिगरेट पी लेता हूँ। तो अब देखिए उनका स्मोकिंग का जो है जो रूटीन था ना वो ये था कि, अब मैं ये बताता हूँ कि होती क्यों थी स्मोकिंग। तो होता क्या था कि वो अपने काम से परेशान होते थे, और काम से परेशान इसलिए होते थे कि वो एक डिसऑर्गेनाइज आदमी थे। तो डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या होता था कि उनके जो गोल्स थे वो सेट नहीं थे काम के, उनको ये नहीं पता था कि एट एनी पॉइंट टाइम करना क्या है। काम जो उनका था हैपहजर्ड होता था। अच्छा, जब हैपहजर्ड होता था काम तो वो उनको स्ट्रेस जनरेट करता था, उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए या रिलीव करने के लिए वो क्या करते थे, अपने ऑफिस से या अपने घर से बाहर चले जाते थे। अच्छा, अब चले गए रोड पे,
अब वहां पे जाके स्मोक कर रहे हैं। अब उनको पता है कि दिन में चार पांच दफा, चार दफा से ज्यादा मैं इस तरह के टाइम पॉकेट निकाल नहीं सकता। तो वो क्या करते थे कि वो एक दफा में करते थे कि चार पांच सिगरेट एक के बाद एक, दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा चौथा, वो इस तरह करके पी लेते थे। तो चार पांच पांच पॉकेट्स में पूरा एक डब्बा खत्म कर लेते थे। अच्छा, अब उस सिगरेट जब पी रहे थे उसमें क्या करें, तो क्या करते थे, अपने मोबाइल खोलते थे और उसके अंदर जो है वो गैर मुनासिब वीडियो देखते थे। अब ये जो है ना, ये एक अमल जो है वो स्मोकिंग का और वो वॉचिंग द वीडियोज का, ये एक एक तरह से लाजिम और मलजूम हो गया, एक दूसरे के साथ जुड़ गया ये दोनों दोनों चीजें। तो अब देखिए, अब ट्रिगर क्या है, अब ट्रिगर क्या है कि काम में चूंकि क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है, और एक फायर फाइटिंग सिचुएशन है, इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। अब उस लॉट ऑफ स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए अब वो जा रहे हैं बाहर, बाहर अब स्मोक कर रहे हैं, अब वो स्मोक कर रहे हैं। तो अब ज़ाहिर वो टाइम जो जहन में ख्याल तो आ रहे होंगे ना, अब उसको, उन ख्याल को उन्होंने, उससे छुटकारा पाने के लिए वो वीडियोस जो है वो ज्वाइन कर ली, वीडियोस देखनी शुरू कर ली। अच्छा, वो न सिर्फ वीडियोस तक रहा, फिर होता है कि जब उनकी बिजनेस वीडियोस थे, फिर उसमें वो उससे आगे भी बढ़ने लगे। अब उसका तस्करा करके जरूरत नहीं कि क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। बट एक्चुअली ही वॉज वेरी गिल्टी ऑफ डूइंग दिस, माशाल्लाह अच्छे मुसलमान आदमी थे। अच्छा, हुआ क्यों, हुआ क्या कि हमने जब काम करना शुरू किया ना, तो हमने उनके बिजनेस विजन पर काम करना शुरू किया। जब बिजनेस विजन में काम करना शुरू किया और उन्होंने इस शर्मिंदगी तो थी, इसके ऊपर उन्होंने दुआ करनी शुरू की इस मामले के ऊपर कि अल्लाह उनसे, उनकी इस चीज से, स्मोकिंग से और इस चीज से, वीडियो से जान छुड़ा। तो अब हुआ ये कि जब बिजनेस पे काम करना शुरू किया ना, तो उन्होंने अपने प्लानिंग पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। तो ये वो उनका प्रीवियस स्टेट था जिससे वो छुटकारा हासिल करना चाहते थे। तो जब उन्होंने प्लानिंग पे टाइम करना शुरू, स्पेंड करना शुरू किया, तो उनके पास बिजनेस की विजन की क्लैरिटी और एक्शन जो क्लियर होना शुरू हो गया। उनका जब टाइम इस तरफ गुजरने लगा, ऑटोमेटिकली उनकी जो स्मोकिंग की जो हैबिट थी और जो दूसरी जो फॉरन वीडियोज को जो वॉच करने की हैबिट थी, वो जो है वो खत्म हो गई। तो विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 months और प्रॉब्ली इवन अर्लियर देन दैट, माशाल्लाह अल्लाह की वजह से उनकी दोनों चीजें खत्म हो गई और बिजनेस पे फोकस जो है उनका ज्यादा हो गया। तो जब 4 महीने के बाद जो मेरी उनसे जब ये इंगेजमेंट खत्म हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज मच बेटर देन बिफोर। मैं ये नहीं कहता कि इसमें मेरी कोई काविश है या मेरा कोई अमल दखल है, मैंने कुछ उनको तावीज वावीज दे दिया, नहीं, ही एक्चुअली डिसाइडेड टू डू दिस बाय हिमसेल्फ। तो ये एक स्टोरी नंबर वन है। एक स्टोरी नंबर टू ये है कि एक और मैनेजर थे, उनको उनको ये टीम के मैनेजर थे, उनको मैंने कोच करने का इत्तेफाक हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि इफ देयर वाज वन थिंग इन योर लाइफ दैट यू वुड लाइक टू चेंज, व्हाट दैट वुड बी। कहने कि मैं जो स्मोकिंग के हैबिट को चेंज करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं ये। तो मैंने उनसे पूछा, मैं एक जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक पॉइंट नोट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ताकि मैं अपने इसको बाद में एड्रेस कर सकूँ। अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो कहने कि 11 out of 10, सो इम्पोर्टेंट है 11 out of 10। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो है इसके लिए आपका कमिटमेंट कितना है, लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो कहने लगे 2 out of 10, और खुद ही हंस भी पड़े, क्योंकि उनको पता था कि जो मेरा लेवल ऑफ कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट है वो इतना हाई नहीं है कि विच वुड मेक क्रिएट एनी डिफरेंस। अच्छा, अब ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तकरीबन कोई 4 साल पहले की बात है। तो इत्तेफाक से 2 साल के बाद मेरी उनसे दोबारा मुलाकात हुई, तो कोविड से पहले। तो मैंने उनसे पूछा कि हजरत आपको याद है हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी, तो हंस पड़े, कहने हाँ हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ उसका, कहने वहीं का वहीं हूँ, वैसे ही चल रही स्मोकिंग उसी रफ्तार से। तो मैंने कहा कॉन्वर्सेशन याद है, कहने हाँ वो भी याद है। तो खैर उसके बाद बात मजीद नहीं हुई। इत्तेफाक से अल्लाह की तौफीक से 2 साल के बाद फिर मुलाकात हुई, यानी 4 साल आफ्टर द इनिशियल कॉन्वर्सेशन। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हाल है, कैसा चल रहा है कॉन्वर्सेशन, याद है? कहना अच्छी तरह से याद है। मैंने कहा अब क्या हुआ, क्या सिचुएशन है स्मोकिंग की? कहने लगे 70% रिडक्शन हो गई। तो मैंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा बिकॉज आई डिसाइडेड टू चेंज। तो जब आपका डिसीजन चेंज होता है ना, आप डिसाइड करते हैं। और मैंने उनसे पूछा क्यों, तो कहने कि मैंने अपने बच्चों की वजह से चेंज किया स्मोकिंग की हैबिट, क्योंकि मैं देखता था कि मेरे बच्चों की हैबिट जो है वो मेरी स्मोकिंग की वजह से उनके ऊपर असर आने लगा है। मैं उनके साथ वक्त नहीं स्पेंड कर सकता हूँ या मैं उनसे दूर होना, जो भी कुछ है। तो लेकिन मुझे उसकी तफसील नहीं बताई उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने खुद डिसाइड किया अपने बच्चों की वजह से, और व्हेन आई बिकेम स्ट्रॉन्गर आई डिसाइड टू रिड्यूस स्मोकिंग। तो 70% रिडक्शन हो गया। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जब आप डिसाइड करते हैं, तो उस वक्त जो है ना आपकी विल पावर जो है ना वो आपको ड्राइव करती है। और हम इसी की तरफ जो है ना, अब हमारा अगला जो है ना वो बात जमा रही उसकी तरफ जाएंगे।
फिर मुझे एक और जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं उसको फोकस करूंगा कि हाउ टू फोकस ऑन पॉजिटिव हैबिट्स एंड इग्नोर नेगेटिव हैबिट्स ऑफ योर लव्ड वंस, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हम थोड़ा सा पहले बात करते हैं इसी इसी के ऊपर ना, स्ट्रेंथ के ऊपर। देखिए, कोई भी चीज आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ना दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है इनिशियल इनिशियल इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, जो कि आपको आपको जंप देती है, आपको इंस्पायर करती है, आपको पुश करती है। जिस तरह वो एयरक्राफ्ट करियर से जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, वो कैटापल्ट उनको पुल करता है, बहुत जबरदस्त तरीके से उनको एक फोर्स के साथ उनको जो धक्का देती है, तो वो चल पड़ते हैं। इसी तरह से जब रोकते भी उनको, तो रोकते हुए भी उनका उनका एक पुलर होता है जो उनको उनको रोकता है उनकी उनके लैंडिंग को। तो कम बैक टू द पॉइंट, इस तरह से कोई भी चीज है ना आपकी इंस्पिरेशन का सबब बन सकती है। अभी एक्शन फैक्टर्स होते सकता है, किसी को आप देखें कुछ काम करते हुए आप इंस्पायर हो जाए, आपने मैं भी ये काम करना चाहता हूँ, मैं भी जो है वो इस रमजान में एक कुरान का दो जो है वो ये जो दो जो रोजाना पढ़ना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। आपकी हैबिट नहीं है। अच्छा, आप होता क्या है कि इंस्पायर होकर आप कर दो, आप कूद तो जाते हैं उसके अंदर, लेकिन आपके पास उसको कंप्लीट करने के लिए डिटर्मिनेशन नहीं होती। तो किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए दो चीजें चाहिए, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, लेकिन किसी चीज को खत्म करने के लिए, उसको इख्तिताम तक कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए आपको एक चीज चाहिए होती है, और वो होती है डिटर्मिनेशन। अभी देखते हैं कि डिटर्मिनेशन जो है वो बढ़ती कैसे है। हम में से हर शख्स जो है ना वो अपने उसका एक माइंडसेट होता है। तो हर शख्स का जो माइंडसेट होता है ना, उसके दो क्लाइंट्स होते हैं, उस माइंडसेट के दो क्लाइंट्स होते हैं। तो एक क्लाइंट जो है ना वो खुद होता है, यानी आप समझ लें कि खुद वाला, ये वाला जो इस तरफ का जो क्लाइंट है वो खुद है, और इस तरफ का जो क्लाइंट है वो दूसरे लोग हैं। ठीक है, तो जो हमारी आदत है ना, हम उससे खुद भी फायदा उठाते हैं, हम खुद भी उससे नुकसान भी उठाते हैं। तो इसी मैं कह रहा हूं कि आप उसके खुद क्लाइंट हैं अपनी आदतों के, क्योंकि माइंडसेट इज ऑल अबाउट हैबिट्स एंड बिहेवियर्स। अच्छा, इसी तरह से आपकी जो आदत है ना, उससे कुछ दूसरों को कुछ फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। ठीक है, तो इस तरह जो ना आप अपनी माइंडसेट यानी अपनी आदतों के अपने आप भी क्लाइंट हैं और दूसरे लोग भी क्लाइंट हैं। अच्छा, ठीक है, तो इसी तरह से ना एक आदत होती है कमिटमेंट पूरा करने की। ठीक है, तो अब जैसे लोगों के साथ अपने साथ भी कमिटमेंट होता है और दूसरों के साथ भी कमिटमेंट होता है। ठीक है, तो अपने साथ लोगों का जो कमिटमेंट होता है ना, उसको आमतौर पर हमने बारहा ये सवाल मुख्तलिफ लोगों से पूछा है, वो बताते हैं कि अपने साथ कमिटमेंट जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है, वो उसमें थोड़े लीनियंट हो जाते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं, नहीं पूरा होता ये वाला पार्ट। लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना, दूसरों के साथ जो कमिटमेंट है ये वाला, ये जो है वो उसमें जो है उसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं, यानी वेरी पर्टिकुलर। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्यों ऐसा होता है, तो वो कहता है कि इसलिए कि इस साइड पे ना हमारी फेस सेविंग होती है दूसरों के साथ, हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेक पर होती है, कभी रिलेशनशिप होती है दूसरों के साथ खराब हो सकती है, कभी जॉब लॉस, वॉट एवर इट इज, डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव, डिफरेंट रीजन ऑफ बींग एबल टू फुलफिल दिस कमिटमेंट। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इस साइड पे नहीं आती है, जो सेल्फ वाली साइड है उस साइड पे नहीं आती है। तो मैंने उससे पूछा कि आसान कौन सा होता है, कौन सा होता है, मैं आपको सवाल दोबारा बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये वाला आसान होता है दूसरों के साथ, और ये वाला मुश्किल होता है अपने साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज को इस्टेब्लिश कर लिया हमने, अब हम दूसरी जगह पे आते हैं, फिर हम देन विल कम बैक टू दिस। तो एस्टैब्लिश किया कि हमने कि कमिटमेंट विद अदर्स इज इजीयर टू फुलफिल एंड कमिटमेंट विद योरसेल्फ इज चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट। ठीक है, ये चीज एस्टैब्लिश कर ली। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ एंड देन वी विल कम बैक। तो लेट्स सपोज आपने जो है, लेट्स से आप एक स्विमर हैं और आपको नेक्स्ट ईयर जो है आपको एक ऐसे स्विमिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है कि जिसमें आपको तकरीबन 500 meters जो है वो आपको स्विम करना होगा, 500 meters। अच्छा, अब 500 मीटर्स जो है आपको स्विम करना है, आपकी जो एग्जिस्टिंग स्विमिंग की जो कैपेसिटी है वो, आप एक पूल जो है जो कि एक ओलंपिक साइज का पूल है, लेट्स सपोज व्हिच इज लेट्स से 50 मीटर्स बाय 25 मीटर्स, तो 50 मीटर्स जो है ना वो अभी आपके सामने यही पूल है और आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि 50 मीटर्स प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप उसी 50 मीटर्स के को पहले आप जाके दीवार को टच करके वापस आते हैं एक ही शॉट में, इस तरह करके ग्रेजुअली जो है वो आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास 500 मीटर्स का कोई पूल या कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। ठीक है,
तो अब मुझे बताएं कि अब आपको 500 मीटर्स का आप टाइम में चैट कर सकते हैं कि आपको 500 मीटर्स की स्विमिंग एबिलिटी को हासिल करने के लिए, एक्सक्यूज मी, तो आपको 500 मीटर्स की स्विमिंग कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए जो 50 मीटर्स का जो पूल है इसके कम से कम कितने लैप्स आपको कर लेने चाहिए बैक एंड फोर्थ, कितने लैप्स करने चाहिए, एक यानी एक जाना और एक आना, ये कितने कर लेने चाहिए? आप चैट विंडो में रिस्पांस टाइप कर सकते हैं, एक जाना और एक आना, तो ये हो गए दो लैप्स हो गए, तो कितने लैप्स कर लेंगे तो आपकी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी टू स्विम 500 मीटर्स 10. थैंक यू वेरी मच तारिक साहब आपके रिस्पांस का. 10 लैप्स आप कर लेंगे ना, ठीक है, और अगर आप 11 कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, इसको मतलब है कि यू आर एक्चुअली एक्सीडिंग द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. तो इस तरह से क्या होता है कि आप अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं, ठीक है, बाय डूइंग समथिंग स्मॉलर, बाय डूइंग इट मोर एंड मोर ऑफ्टन देन बिफोर, सो दैट यू एक्चुअली रेज योर लेवल और योर कैपेबिलिटी. अच्छा, तो अब मैं अपनी बात की तरफ दोबारा तो आता हूं, मैं इसको रीफ्रेज कर रहा हूं कि आप छोटे छोटे लैप्स करते हैं तो दिस enhances your capability to do a bigger lap when it actually requires. तो आपने क्या किया, एक साल खूब प्रैक्टिस किया आपने 50 मीटर के पूल है, अब आप 10 तो क्या आप 15 से 20 दफा भी कर लेते हैं. Now you are sure कि अब जब 500 मीटर का अगले साल आपको जब चैंपियनशिप में आपको हिस्सा लेना होगा तो you are fine and fit and fine for that. ठीक है, इसी तरह से अब हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ वापस आते हैं. जो आपका जो माइंड सेट है, आपकी हैबिट्स थी फॉर फुलफिलिंग कमिटमेंट, ये आपका माइंड सेट है. इसके दो क्लाइंट्स हैं, एक आप थे और एक दूसरे थे. इसमें से आसान कौन सा था, ये दूसरा वाला आसान था. इसको जब आप दूसरों के साथ अपने कमिटमेंट्स फुलफिल करते हैं ना मोर एंड मोर एंड मोर, तो आपको अपने कमिटमेंट्स फुलफिल करने की जो आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन है ना वो स्ट्रांग होती जाती है, स्ट्रांग स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगेस्ट. तो आपको ना क्या करना पड़ता है कि दूसरों से कमिटमेंट फुलफिल करें. तो जो लोग अपने आप से फुलफिल नहीं कर पाते ना कमिटमेंट, एंड आई इंक्लूड दिस माईसेल्फ इन दिस एज वेल, उनको ये देखना चाहिए कि वो दूसरों से कमिटमेंट फुलफिल करने में कितने स्ट्रांग हैं, वो दूसरों से कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या क्या तगोदो करते हैं, अपने आप को कितना फोर्स करते हैं कि अपने आप या वो वहां पर लेथार्जिक है. अगर तो आपके दूसरों से कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो आपको पहले उसको देखना चाहिए. अपने सेल्फ कमिटमेंट की बात आपको बाद में करनी चाहिए. जब आप इसको कर लेंगे ना तो दिस विल गिव यू इनफ स्ट्रांग इनफ डिटरमिनेशन सो दैट यू विल बी एबल टू फुलफिल योर कमिटमेंट्स विद योर ओन सेल्फ. आपको उम्मीद है कि ये बात मैं समझा पाया हूँ. ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल शेयर किया ना, ये पूरे जो कि आप अपने क्लाइंट भी हैं और आपके दूसरे भी क्लाइंट आपके माइंड सेट के, ये जो पूरा जो एनालॉजी है ये वाली, ये टाइम लर्नर्स के सुलेमान भाई ने हमें समझाई थी प्रॉब्ली 10-15 साल पहले. So, but it is such a strong analogy कि आपको आपको ठक करके आपको बातें समझ में आ जाती है, आपको आईना नजर आ जाता है कि मैं अपने आप से कमिटमेंट की बात तो मैं बाद में कर रहा हूँ, पहले मैं तो अपने आप के अंदर तो जाके देखूँ कि मैं दूसरों से अपने कमिटमेंट्स फुलफिल करने के बारे में क्या, मैं कितना कीन हूँ उसके बारे में, मैं क्या क्या करता हूँ, क्या मैं दूसरों से कमिटमेंट फुलफिल के बारे में कोई अपने पास फोन में अलार्म लगाता हूँ, भले मुझे किसी से बात करनी हो, किसी से वादा पूरा करना हो, किसी को पैसे देना हो, किताब देनी हो, किसी के पास टाइम पे पहुंचना हो, मैं उसके लिए करता क्या हूँ, तो मैं उसके लिए क्या हत्तल इम्कान तदाबीर इख्तियार करता हूँ या नहीं करता हूँ. क्योंकि गार्डिंग द प्रोमिसेस इज एक्चुअली वन वे वन स्टेप क्लोजर टू फुलफिलिंग द प्रोमिसेस. आप कह देना बड़ा आसान है कि मैं भूल गया, तो बात तो यह कि आपको ये देखना चाहिए ना, या मुझे ये देखना चाहिए कि उस भूलने को अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था. तो इंसान का तो काम ही है भूल जाना. तो उम्मीद है कि ये बात जो है ना वो क्लियर हो गई होगी. तो अगला खर्च इनोनिमस साहब जो भी आप हैं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, कि जिन्होंने स्मोकिंग की बात शुरू की थी और उसके ऊपर हमारा ये पूरा डिस्कशन जो है वो ये सामने आ पाया. तो एक्चुअली आपको आपके ना सवाल या आपके जो पार्टिसिपेशन या आपकी जो इंटरेक्शन है ये बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होती है मजालिस में, क्योंकि इससे ना हमें थ्रेड्स मिलते हैं मजीद बात करने का करने के बारे में. अब आपको जो मैंने एग्जांपल दी ना, जिसमें जो साहब अपने बिजनेस गोल्स के क्लियर ना होने की वजह से गलत बातों में पड़ गए थे, ये एग्जांपल शायद मेरे जहन में कभी ना आती अगर आपका सवाल सामने नहीं होता तो. अच्छा ठीक है. अच्छा अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ. तो अगर किसी का कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं बिफोर वी टेक अप द नेक्स्ट पर्सन. लेट मी जस्ट वॉच माय टाइम 1:40.
20 मिनट है, चल हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आपने लिखा हाउ टू फोकस ऑन पॉजिटिव हैबिट्स एंड इग्नोर नेगेटिव हैबिट्स ऑफ योर लव्ड वंस। अच्छा ठीक है, इसका बड़ा आसान सा नुस्खा है। तो इसकी इसका इसका तरीका ये है कि आप ऐसा करें कि आप उसको नोट करना शुरू कर दें, और हम ये करते हैं अपने अपने कोचिंग सेशंस में। जब हम लोगों को कोच कर रहे होते हैं ना, तो हम उनको बताते हैं कि जैसे अब मियां बीवी की कपल्स की कोचिंग का भी अक्सर इत्तेफाक होता है, तो उसमें हम उनको अभिक साहब वो अपनी बेगम की बुराइयां ही बुराइयां की जाए वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा यार आपकी आपकी अहलिया में कोई अच्छी भी बात है, कोई सोचे कोई अच्छी बात हुई, तो कहने कि इस वक्त समझ में ही नहीं आई। तो यानी वो साहब जो वो नेगेटिव चीजें देखने के इतनी आदी हो चुके थे कि उनकी अपनी अहलिया में उनका अपनी अहलिया में कोई बात भी नजर नहीं आती। फिर मैंने उससे दोबारा पूछा कि नहीं नहीं आप गौर करें, कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इतने सालों से रह रहे हैं अपनी बीवी के साथ आपको एक अच्छी बात नजर ना आती। फिर गौर करने लगे तो फिर उनको समझ में आना शुरू हुआ कि अच्छा वो जो है वो माशाल्लाह रिलीजियसली ओरिएंटेड है, वो ये काम भी करती है ये काम भी करती है। तो मैंने उनसे शायद उनसे तो नहीं कहा, लेकिन कई और दूसरे केसेस में हमने इस तरह से कि हमने कहा कि अच्छा साहिब खाना से या खातून खाना से हमने कहा कि ऐसा करें कि आपने शौहर की लिस्ट बनाई कि वो क्या क्या अच्छे काम करते हैं। तो एक और दूसरे केस में खातून खाना ने जो है वो लिस्ट बनानी शुरू की, उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे शौहर जो वो ये भी करते हैं वगैरह वगैरह, मेरा ख्याल भी रखते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें। ये उनको पहले नजर नहीं आ रही थी, जब उनसे पूछा तो फिर उनको नजर आया। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है कि क्या होता है कि आपको ना पूछना पड़ता है, तो कोच को ना पूछना पड़ता है कुछ चीज़ें दिखाने के लिए। तो फिर मैंने उसे खातून से कहा कि अच्छा आपने नेक्स्ट वीक में आपने ये करना है कि आपने जो है इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद काम करना है कि जो हैबिट्स आपने अपने शौहर की आइडेंटिफाई की ना अच्छी 3-4 वो कितनी फ्रीक्वेंसी से करते हैं। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया कि अच्छा मिसाल के तौर पर बच्चों का ख्याल रखते हैं, मुझे नाश्ता बनाने में मदद देते हैं, बच्चों को नहला धुलाने में मदद देते हैं, छोटे बच्चों इस फैमिली के, तो ये कितनी दफा करते हैं। तो पता चला कि वीक में कई दफा करते हैं ये। अच्छा उसके बाद और क्या करते हैं भाई, और मेरे फलाना फलाना चीज करते हैं। तो क्या हुआ कि अब एज अ कोच जो ना हमने क्या किया कि वी जस्ट आस्क देम अ क्वेश्चन और एंड देन वी व्हेन शी आइडेंटिफाइड कि दीज आर द गुड हैबिट्स, वी जस्ट आस्क देम अनदर क्वेश्चन व्हिच वाज टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स दैट हर हस्बैंड डू दीज गुड डीज द फ्रीक्वेंसी। अब क्या हुआ कि इन दोनों बातों से उनका जो ना फोकस अपने हस्बैंड की बुराइयों की तरफ से हट के अच्छाइयों की तरफ हो गया। जब ये चीज होगी ना तो फिर वो जाए बहुत बेहतर नजर आने लगती है। तो मैं जो जिन साहब ने एनोनिमसली सवाल किया है उनसे मेरी ये दरखास्त है कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी अच्छाइयां जो है उनको थोड़ा सा नोट करें और देखें कि हफ्ते में कितनी दफा करते हैं। अगले हफ्ते हो सकता है कोई आपको अच्छी और भी चीज नजर आए तो वो भी नोट कर ले, फिर उसकी फॉलोइंग वीक में देखें कि वो अच्छी चीज दूसरी आपने नोट की है वो कितनी दफा करते हैं। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। तो किसी ने कहा है कि आई हैव नो कंट्रोल ऑन माय एंगर, आई गेट एंग्री, आई से थिंग्स एंड विद इन फ्यू सेकंड्स आई रियलाइज आई हैव मेड अ मिस्टेक बट इट्स टू लेट एज आई हैव सेड समथिंग टू हर्ट अदर पर्सन्स फीलिंग्स। अच्छा तो अब इसमें जो है अब आप चाहते क्या हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने एंगर को रिस्ट्रेन कर लें, तो इसके ऊपर तो हमने मल्टीपल टाइम्स हमने बात की कि आपने एंगर को रिस्ट्रेन कैसे कर सकते हैं। तो आतिफ साहब मेरी इस बारे में ये कि आप हमारी मजलिस की ना कुछ फेसबुक पे जाके ना आप थोड़ा सा सर्च कर लें एंगर मैनेजमेंट पे हमारी कुछ मजालिस हैं, हमने ये हैबिट्स पे हमारी कुछ मजालिस हैं जिसको आप देख लें तो आपको अच्छे खासे ना उसके अंदर टिप्स मिल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एक स्टोरी शेयर करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने क्लाइंट से एक्शन नहीं मिल रहे होते, तो हम चूंकि हम क्लाइंट से काम के साथ कम से कम 4 महीने की इंगेजमेंट में के साथ काम करते हैं कमिटमेंट के साथ, अब एक्शन नहीं मिल रहे हैं उसके अंदर। अच्छा जी तो अब एक साथ थे वो अपने बच्चों को बहुत मारते थे, तो और बाद में उनकी तंज भी बहुत था ना, तंज तो बिल्कुल उनकी जबान पर टिप पे रहता था, लगता था कि अंदर आग भड़क रही है और एक आग का गोला जो है वो जबान के टिप से बस फायर हो गया। अच्छा तो उनसे बात हुई तो उन्होंने अप्रोच ही मुझे इस तरह से किया कि वो अपने इस हैबिट के ऊपर काबू पाना चाहते थे। तो जब उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो थोड़ा बहुत फर्क आया, लेकिन उतना फर्क नहीं आया जितना वो आना चाहिए था। तो उनसे मैंने एक हैबिट सॉरी एक कमाल मक्की एक साहब हैं, उनके यूट्यूब पे काफी दुरूस हैं, काफी लेक्चर है, इंग्लिश अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं। तो उनके एक लेक्चर है उसमें उन्होंने कहा कि जो एक साहब को हैबिट थी कि वो औरतों को देखा करते थे और वो कंपनी में काम करते थे, ही यूज्ड टू फील बैड अबाउट दिस।
तो कमाल मक्की ने उनको इंगू उनको कहा कि अच्छा ऐसा करें कि आप बड़ा सिंपल सा काम कर लें कि जब आप जो है टिक टिकी भर के आप किसी को देखें ना तो आप जाके दुआ की नमाज पढ़ लें। तो उन्होंने गांव साहब ने कहा अच्छा ठीक है। तो इत्तेफाक से हुआ कि जब अब उन्होंने जब जैसे उनको किसी की सैंडल की भी चाप आवाज सुनाई देती थी ना फौरन अपनी नजर झुका लेते थे, क्योंकि क्या होता था कि शैतान कूद जाता था उनके जहन में। वो कहता था अब अगर तुमने इस औरत को देखा ना तुम्हें जाके दो रकअत नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुम्हारे जगह वजू करने में टाइम जाएगा, नमाज में टाइम जाएगा, अपने काम पे फोकस करो मत देखो उस औरत। ये कमाल मक्की ने अपने लेक्चर में शेयर किया। तो मैंने उन साहब को ये स्टोरी शेयर की के कमाल मक्की जी हैं उन्होंने अपने लेक्चर में ये शेयर किया है, हम बताएंगे आपका क्या एक्शन हो सकता है। कहने लगे कि नहीं भाई मैं ऐसा करूंगा, मैं जब गुस्से में आऊंगा ना तो मैं भी दो रकअत नमाज पढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने डिटरमिन किया अपने लिए और एज आई कुड रिमेंबर, ये पुरानी स्टोरी मुझे इतना नहीं याद आ रहा है। एक हफ्ते का मेरी उनसे दोबारा मुलाकात हुई नेक्स्ट सेशन में। तो मैं बड़ा एंक्शसली मैंने उनसे सवाल किया अच्छा भाई ये बताएं कि अबू फलाना कितने रकअत नमाज पढ़ी पूरे वीक में। कहने एक दफा भी नहीं पढ़ी। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे कि जब भी मेरे जहन में मेरे दिल में गुस्सा आता था ना और बस अल्फाज जो है वो जबान से बस निकलने की देर होती थी, ऐसा लगता था किसी ने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया है कि देखो गुस्सा करोगे तो मेरे भाई को जवाब देना होगा और नमाज पढ़नी पड़ेगी और गुस्सा बेहतर है गुस्सा ना करें। तो ये चीज अलोन जो है ना वो उनके लिए काफी फायदेमंद हो गई थी। तो ये देखिए कि आपका गुस्सा जो है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, गुस्से की तीन चीजें होती हैं, क्या ट्रिगर है उसका जिससे आपका गुस्सा जो है इन्वोक हो रहा है, विच इज द मिडिल पार्ट, और क्या उसका रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, उससे फायदा क्या होता है, वो काम हो जाते हैं क्या। तो रिसेंटली एक और भी एक खातून ने भी शेयर किया कि मेरे बच्चे जो है वो काम नहीं करते और बच्चे में और मैं उनमें गुस्सा करती हूँ, वो बच्चे काम कर लेते हैं। तो अब तो हमने उनको ये ज्वाइंट कोचिंग सेशन था डिफरेंट किस्म का, तो हमने और भी कोचेस थे इसके अंदर, तो हम एक और कोच थे फैसल भाई, उन्होंने कहा कि क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि आपने जो है अपने बच्चों को ट्रेन किया कि जब तक मैं गुस्सा नहीं करूंगी तुम काम नहीं कर। तो एक्चुअली इट वाज अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट कि हम अक्सर होकर ना दूसरे लोगों को ट्रेन करते हैं कि वो हमें तंग करें या वो हमें बार बार एक एक पैटर्न जो ना वो हम एक्चुअली सेट करते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उम्मीद है कि आपको जो है इस बात का जवाब जो है वो मिल गया होगा। अच्छा तो और किसी का कोई सवाल है, कोई चीज है? मैं तो मुसल से बोले ही जा रहा हूँ बाजी, अगर आपका कोई कमेंट है दिस एनीथिंग दैट यू विल शेयर मी लाइक शेयर मैं भाई आपका कोई चीज दैट यू विल लाइक शेयर जी बोलिए। वालेकुम सलाम। मैं एक सवाल है, बहुत देर से मैं सोच रहा हूँ कि हैबिट्स के ऊपर तो हमने काफी बात की, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हैबिट्स को, लेकिन एक जो मेरे जहन में चीज़ आ रही है ना वो ये है कि रमज़ान के ऊपर हम चूँकि बात कर रहे हैं तो रमज़ान में तो इंसान का मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हुआ होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हैं वो उस एलिवेटेड मोटिवेशन के अंडर आके इंसान कर भी लेता है और कंसिस्टेंटली भी करता रहता है एक महीने के लिए, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है वो चीज़ें जो हैं तितर बितर होना शुरू हो जाती हैं। तो कोई ऐसी टिप्स बताएं कि जिसमें ये चीज़ें जो हैं इसको रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू किया जा सके, स्पेशली जो चीज़ें हैं इबादत से रिलेटेड। इबादत से रिलेटेड ठीक है, तो इबादत से रिलेटेड जो है ना मैं आपको देखिए मैं रेकमेंड तो मैं नहीं कर सकता ना यहाँ पे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ अपने दूसरों के एक्सपीरियंस से कि जो जो के जिन लोगों जिस जो के हैबिट जिनको काम आए। तो सबसे पहली एक बात तो ये कि ना आप जो भी हैबिट आपको डालनी है ना उसको आप छोटे से शुरू करें, छोटा सा ना हमसे छोटे छोटे अमल को हम उनको अहमियत नहीं देते। मिसाल के तौर पर अल्लाह मुझे और आपको इस बात की तौफीक दे कि हम इस बात पर शेयर करें किसी की और हम इसको अमल करने की तौफीक अता पाए इसके ऊपर कि अब जैसे सिर्फ वजू के बाद दो रकअत नमाज पढ़ना, हम ये ना इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि सही हदीस हमें ये बताती है कि रसूल सल्लम जब मेराज पे गए थे तो उनको जन्नत में कदमों की चाप सुनाई थी। पूछा किसके कदमों की आवाज़ है, कहा कि बिलाल की आवाज़ है, ये बिलाल के कदमों की। अच्छा बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हैं? वापस जाके बिलाल से पूछा यार ऐसा कौन सा अमल है, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा तो कोई अमल नहीं करता सिवाय बात के कि मैं वजू करता हूँ तो दो रकअत नमाज पढ़ लेता हूँ। हम में से कितने लोग हैं जिसके ऊपर अमल करते हैं, नहीं करता, हालांकि बड़ी छोटी सी बात है। ठीक है तो इस अब ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये डूएबल है। ठीक है आप इसके ऊपर अमल कर लें, एक छोटी सी हैबिट है विच इज सस्टेनेबल। तो कोई 8-9 साल पहले की हैबिट की बात है कि मुझे इस बात का ये विदराक हुआ, मैंने कहा यार थोड़ी आसान सी बात है कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। वो अल्लाह की तौफीक से आसान हो गई।
तो उसके बाद से जब यमन बन गया, जब भी वुज़ू के लिए दुआ का नमाज पढ़ ली, तहिया तो वुज़ू पढ़ ली, ठीक है। तो ये तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह से कि अल्लाह ताला इस आदत को ही मेरी मफ़रत का सबब बना दे, अल्लाह मुझे और आपको रिया से बचाए, और क्या पता कि इस बात को शेयर करने से आपको ये आदत डेवलप हो जाए और वो मेरे मेरे अमानामा अमल में सबका जारी बन जाए, ठीक है। ये छोटी सी हैबिट है ये। अच्छा, अब दूसरी छोटी सी हैबिट क्या है? कुरान पढ़ने की हैबिट है। तो अब कुरान पढ़ने की लोग जैसे ना हम चूंकि हमारे भाई अपनी बात छेड़ी है तो इसके ऊपर अब मैंने मैंने एक ड्राइवर को देखा, मेरे महल में रहता है ड्राइवर, वो क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि अजान और इकामत के दरमियान पहले से आ जाए नमाज। अब वो नमाज उसके बाद एक छोटा सा कार्ड रहता है उसकी जेब में, पेन भी रहता है, ड्राइवर है, मामूली सा काम करता है, मामूली सा ड्राइवर, ताल्लुक उसका इंडिया से। अच्छा, तो वो ड्राइवर क्या करते हैं कि वो जब आते हैं ना तो उनके पास जो कार्ड होता है वो अब मुसहफ निकालते हैं, यहाँ पे मसाजिद मुसहफ रखे होते हैं, तो मुसहफ निकालते हैं, हर मुसहफ यहाँ पे मस्जिदों में स्टैंडर्ड मुसहफ होते हैं। तो क्या करते हैं कि जहाँ से पढ़ रहे होते हैं ना तो आयत नंबर नोट कर लेते हैं, और जब इकामत होती है वो आयत नंबर नोट कर लेते हैं कि कहाँ तक पढ़ा और रखते थे। तो क्या होता है कि हर नमाज से पहले 2-4 मिनट 1 मिनट जितना भी टाइम अल्लाह की तौफीक से अवेलेबल होता है ना, उनकी कुरान की जो कराता है वो चलती रहती है। तो ये एक ये अनदर स्मॉल हैबिट, ठीक है। इसी तरह से जो है एक एक और साहब है जिन्होंने एक हैबिट डेवलप की कि उन्होंने कहा कि मैं जो है रात में तहज्जुद तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन आई कैन वेक अप अ लिटिल फ्यू मिनट्स बिफोर फजर एंड प्रे टू अल्लाह। ये भी छोटी सी हैबिट है, किसी और की हैबिट बता रहा हूँ। तो जिनको कोच करने का इतफाक हुआ कुछ अर्से, तो उन्होंने ये बताया, तो वो क्या करते हैं कि अजान से उठते तो फजर पे हैं ना, बाकी सब लोग भी उठते ही ना, तो वो अजान से थोड़ा सा पहले उठ जाते हैं और वो 2 रकअत नमाज पढ़ लेते हैं। तो क्या ये एक ऐसी पावरफुल हैबिट नहीं है कि वो 2 रकअत उस वक्त नमाज पढ़ लेते हैं कि जब अल्लाह सुब्हान व तआला भी जो है वो सुनने वाले थे, तहज्जुद के वक्त होता है ना, तहज्जुद का वक्त खत्म के करीब होता है, होता तो है फजर से पहले तो होता है, तो वो 2 रकअत उस वक्त नमाज पढ़ लेते हैं। ये छोटी छोटी जो है ना चंद हैबिट्स हैं। हमारा मसला क्या होता है, हमारा मसला होता है कि हम चाहते हैं कि हैबिट जो है ना फुल फोर्स से हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाए और वो जो है वो सस्टेन भी कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, आपको ना हैबिट्स को छोटा सा करके इंसर्ट करना पड़ता है, आपको अपने रूटीन्स में बिल्ड करना पड़ता है और उसको नर्चर करना पड़ता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देन इट बिकम्स योर सेकंड नेचर। उमर भाई, आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने, ठीक है। चलें, तो हमारे पास टाइम कितना रह गया है? अभी हमारे पास 8 मिनट है। अगर किसी और को कोई सवाल हो, कोई अगर हैबिट डेवलप करना चाहते हो तो हम उसका एक लाइव एक यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं, कोई भी हैबिट ले आए कि हाँ दैट यू वांट टू डेवलप दिस, तो हम उसको क्विकली हम उसके ऊपर थोड़ा सा एक कोचिंग सेशन कर लेंगे, एक चंद मिनट का कोचिंग सेशन, अगर इफ देयर्स एनीवन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, ताहिर साहब जी। ताहिर जी, तो एक जो ना जैसे आपने क्या प्रायोरिटाइजेशन करना आ जाए, मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, तो कोई ऐसी बात मुझे हमें बता दें कि हम इस रमजान से अपनी जिंदगी की मुख्तलिफ चीजों को प्रायोरिटाइज करें और फिर उस पर हम उनको एग्जीक्यूट कर लें एज पर द प्रायोरिटी। जज़ाकअल्लाह। ठीक है। अच्छा, प्रायोरिटाइजेशन का क्या मतलब होता है? प्रायोरिटाइजेशन का मतलब ये होता है, आई वुड लाइक टू बी रिस्पेक्टफुल फॉर एवरीवन्स टाइम। अगर किसी और का कोई सवाल नहीं है तो हम जो है इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रायोरिटाइजेशन जो है उसका मतलब ये होता है कि व्हाट थिंग आई नीड टू डू एंड व्हेन, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए और इस वक्त का क्या तकाजा है कि मैं ये काम करूं और ये काम नहीं करूं, ठीक है, ये प्रायोरिटाइजेशन है। अच्छा, आपको इसकी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप स्टीफन कवी की किताब है 7 Habits of Highly Effective People, उसमें स्टीफन कवी ने टाइम क्वाड्रेंट्स के बारे में बात की है। अच्छा, टाइम क्वाड्रेंट्स में वो बताते हैं कि Q1, Q2, Q3 और Q4 बताते हैं कि हमारे हमारी जिंदगी में जो हम बेस्टर टाइम स्पेंड करते हैं वो इन चार क्वाड्रेंट्स में से किसी एक में फॉल करता है, ठीक है। यानी वो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट होगा, या फिर वो अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट होगा, वगैरह होगा, चार क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर आपके पास इस चीज का इदराक हो जाए कि आप किस क्वाड्रेंट पे हैं और आप किस क्वाड्रेंट का काम कर रहे हैं, अगर ये कंसिस्टेंसी आ जाए आपके अंदर तो आपकी जिंदगी जो है वो सुधरने लगती है, संवरने लगती है, ठीक है। तो प्रायोरिटाइजेशन इज ऑल्सो अ हैबिट, नथिंग एल्स बट अ हैबिट। और उसका जो पहला स्टेप है, उसका पहला स्टेप है उसका इदराक, यानी उसका सेंसिबल एनालिसिस असेसमेंट, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि छोटी सी चीज जो है ना आप इस रमजान में कर लें, वो क्या कर सकते हैं, छोटी सी चीज ये कर सकते हैं कि आप ये काम, एक तो अल्लाह से दुआ करें ना, दुआ हर चीज के बारे में जरूर किया करें, जो भी काम आपने करना हो। तो जो प्रायोरिटाइजेशन के बाद मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे, कह रहे कि ये एक यहाँ पे छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है, स्क्रीन है, आपको नजर आ रहा होगा ये 4 क्वाड्रेंट्स है,
ठीक है, तो आप अपने आप से ना ये सवाल कर लें, ये सवाल कर लें कि इस वक्त मैं किस क्वाड्रेंट में हूँ और मैं किस क्वाड्रेंट का काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब आप कोई प्रायोरिटाइजेशन क्या है, प्रायोरिटाइजेशन ये है कि अगर आपके पास अजान हो गई हो तो आप किसी दूसरी चीज में ना उलझे, ये प्रायोरिटाइजेशन है कि आप चले जाए नमाज के लिए, आप जल्दी चले जाए। ठीक है, अगर अगर अजान हो गई तो आपने ये देखना है कि अब जो है ना आपकी नमाज जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, यानी नमाज का लट से तकबीर ओला के साथ पढ़ना, उसका हासिल करना नमाज का वो किस क्वाड्रेंट में। नाउ इट इज इम्पोर्टेंट, नमाज पढ़ना इम्पोर्टेंट हर एक के लिए। नाउ इट इज बिकम अर्जेंट बिकॉज चूंकि अगर आप अब ताखिर कर देंगे तो आप मस्जिद जाते, हो सकता है आपकी तकबीर ओला निकल जाए, ये तकबीर ओला अगर आज निकल गई तो अब नहीं मिल सकेगी फिर। ठीक है, एक एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने ये खुतबा एक जुमा के खुतबे की बात बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग जब नमाज में आते हैं तो इमाम सिजदे में तो वो इंतजार करते हैं कि इमाम सिजदे से खड़े हो जाएं तो वो अगली रकत में जाएं तो वो उसके बाद रकत में शामिल हों। तो वो इमाम साहब ने कहा कि क्या उनको इस बात, क्या उनको ये पता है कि ये जो लास्ट सिजदा जो उन्होंने इमाम के साथ मिस कर दिया, क्योंकि रसूल सल्लम की हदीस तो है कि जब तुम आओ तो नमाज में मिल जाओ, तो वो जो लास्ट सिजदा जो उन्होंने मिस कर दिया, क्या पता ये वही सिजदा होता है जिसपे उनकी मगफिरत हो जाती, क्या नहीं? अगर उनको ये बात पता होती तो वो क्या वो मिस करते उसको? नहीं करते, राइट? तो एक छोटी छोटी सी चीजें है ना, तो कम बैक टू द पॉइंट, ये आपका जो प्रायोरिटाइजेशन है ना, ये प्रायोरिटाइजेशन ही तो है कि जिसमें आपने कहा कि नहीं मुझे इस सिजदे में शामिल नहीं होने, मुझे तो इमाम की खड़ा होने का इंतजार करना, ये प्रायोरिटाइजेशन है। एटलीस्ट आई वुड सी दिस एज अ प्रायोरिटाइजेशन बिकॉज प्रायोरिटाइजेशन हैज यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे इस सिजदे में नहीं जाना, मतलब अगले रकात में ही शामिल होना, राइट? तो कम बैक टू द पॉइंट, आपके आपके एक्शंस जो है ना वो अगर इस क्वाड्रेंट से मुतालिक हो जाए ना तो फिर जिंदगी जो है ना आसान होने शुरू हो जाती है आपकी। मिसाल के तौर पे हम बहुत फोकस जो है ना हमारा Q1 में होता है, क्योंकि हम आपको वी एक्चुअली फोर्स आवरसेल्फ टू मूव टू ऑपरेट इन Q1 सिचुएशन, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, भले वो खाना पकाना हो, भले वो किसी जगह पे पहुंचना हो, कुछ भी हो ना, हम तो Q1 सिचुएशन में ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, उस बिजनेस वाले आपकी जब उन्होंने Q2 में ऑपरेट करना शुरू किया ना, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट बिजनेस प्लान के सिलसिले में, गोल्स डेवलप करने के सिलसिले में, अपने अकाउंटेबल एक्शंस डेवलप करने के सिलसिले में, तो ही स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन Q2। जब Q2 सिचुएशन बड़ी हुई, यानी Q2 में काम करना उनका ज्यादा, ऑटोमेटिकली Q1 का होना शुरू हो गया। ये मैं आपको एक क्विकली एक स्लाइड बताया था यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हम ये बात करते हैं कि किस तरह से जो है आपकी, ये देखिए जब आपका Q4 खत्म हो जाता है ना आपकी जिंदगी से, आपका टाइम वेस्टिंग खत्म हो जाता है, ये वो चीजें जो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, जब आपकी जिंदगी से ये खत्म हो जाती है ना, आपको Q2 के लिए टाइम ज्यादा मिलने लगता है, आपको प्लानिंग के लिए अपनी जिंदगी को आहिस्ता पुरसकून अंदाज में उन चीजों पर फोकस करने का टाइम मिल जाता है जिनके ऊपर आपको रियली फोकस करना चाहिए, भले वो रिलेशनशिप्स हो, भले वो अल्लाह से ताल्लुक हो या कुछ भी हो। एक खातून थी, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहती है, तो मैंने उसे पूछा आप सोती कितने बजे हैं? कह लिए रात को 1:30-2 बज जाते हैं। मैंने कहा 1:30-2 बजे सो के आप एक्सपेक्ट करती हैं कि दोबारा 3:30-4 बजे आप खड़े होकर तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें? तो खामोश हो गई। मैंने कहा आप क्या कर सकती हैं? क्या लिया जल्दी सो सकती हूँ। मैंने कहा क्या काम करेंगी? छोटी छोटी चीजें बताएं क्या काम करेंगी कि जल्दी सो सकें। तो उन्हें कुछ चीजें बताई तो फिर इट स्टार्टेड हेल्पिंग। तो अब लोगों का एक थोड़ा सा अलमिया ये होता है, एंड विद दिस इज वेयर द कोचिंग वर्क, क्या वो कोई चीज हैबिट को जब वो अपनी जिंदगी में शामिल करते ना, तो एक्चुअली यू नीड सम लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, दिस इज वेयर कोचिंग वर्क्स। तो हम जब लोगों के साथ कोचिंग करते हैं तो कोचिंग इज ऑल अबाउट हैबिट्स एंड बिहेवियरल चेंज। तो हम लोगों को अकाउंटेबल होते हैं, दे आर अकाउंटेबल टू अस एज कोचेस, कि आपने किया तो क्यों, क्यों किया, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो पा रहा ये काम ना? तो इफ दैट वाज इंपॉर्टेंट दैट यू कमिटेड टू डू दैट, सो व्हाई इज नॉट हैपनिंग। तो अकाउंटेबिलिटी आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स डन। तो कभी कभी क्या होता है आपकी हैबिट्स नहीं डेवलप हो पाती ना, तो कोच की तरफ से अकाउंटेबिलिटी विल मेक यू थिंग्स विल मेक यू एक्सिक्यूट द एक्शंस एंड थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट जो है वो इसके ऊपर हम बात कंप्लीट कर लेते हैं। फिर Q2 में जब आप काम कर रहे थे तो आपका Q1 कम हो जाता है, और Q1 जब कम होता है तो आपकी जिंदगी जो काफी सुकून में आ जाती है, आप यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर डेवलपमेंट गोल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। और फिर जब Q3 होता है ना, ये भी ये नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट होते हैं, जब आपके पास इदराक आ जाता है ना इस चीज का, समझ आ जाती है, तो आप Q3 में फिल्टर्स ऐड करते हैं, उनको प्री एम्प्ट करने लगते हैं, तो Q3 आपके कम आते हैं। तो अभी Q2 जिंदगी जब Q2 में ज्यादा गुजरने लगती है, अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए इस बात की कि हमारी जिंदगी Q2 में गुजरे। तो जज़ाकल्लाह खैर फॉर ऑल योर टाइम एंड योर प्रेजेंस एंड पार्टिसिपेशन। अगले मजलिस हमारी 2 हफ्ते के बाद है, वो नहीं होगी क्योंकि वो जो दिन है वो ईद के बहुत क्लोज है। तो इंशाल्लाह सी यू आफ्टर ईद। जज़ाकल्लाह खैर, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिक,
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته